दिस इज योर शुभम जायसवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर शुभम। काफ़ी दिनों बाद आज मुझे ये बोलने का मौका मिल रहा है। बहुत दिन हो गए मुझे वीडियो शूट किए। आज के दिन तो यार वीडियो शूट करना तो बनता ही था, बिकॉज आज है 22 मार्च और आज पता है आप सब लोग को कि पूरे देश में हमारी जनता कर्फ्यू है। तो ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सक्सेस हुआ है, तो आप कह सकते पूरे देश में बहुत अच्छे तरीके से यह जनता कर्फ्यू सक्सेस हुआ है। सभी लोगों ने मिलकर मोदी जी का साथ दिया है। कोरोना वायरस की इस लड़ाई में हमारा पूरा देश मिलकर एक साथ खड़ा है, जिसके वजह से कोरोना वायरस को हम लोग जल्दी हरा देंगे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 3:30 बज चुके हैं। सुबह से मैंने रोड पर देखा कोई पब्लिक नहीं है, इक्का दुक्का लोग मतलब एक दो लोग हैं जो ऐसे ही घर से बाहर निकल रहे फिर अंदर चले जा रहे। पूरे देश में ये चीज़ हो रहा है। मैं अभी न्यूज़ पे भी देख रहा था, पूरे दिल्ली बॉम्बे और जम्मू हर जगह में दिखा रहा था, हर जगह यही चीज़ हो रहा है कि सारे लोग अपने घरों में, जैसा मोदी जी ने कहा था कि सारे लोग को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक अपने घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, लोग वैसा ही करें, जो कि यार बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि सारा देश मिल के एक साथ ऐसे खड़ा है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ऐसे देख कर बहुत प्राउड फील हुआ। ये वीडियो मैं शाम को डालूंगा, अपलोड करूंगा, यूट्यूब पे पब्लिश करूंगा। तो देखते हैं, अभी तो पूरा 2-3 घंटे का टाइम और बचा है। शाम को 5 बजे ये भी होगा कि मोदी जी कह दे कि शाम को 5 बजे आप लोग अपने छत पे, बालकनी पे या विंडो पे खड़े होके तालियां बजाएं या घंटे बजाएं, जो भी मतलब आपके पास है वो बजाएं, ताकि जो हमारे देश के डॉक्टर और जितने भी लोग लगे हैं इस लड़ाई में हमारे देश को बचाने के लिए इस कोरोना वायरस से, उनको आप मतलब थोड़ा सहानुभूति दें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनका सम्मान करें। और प्लस और भी उसके वैज्ञानिक रीज़न है, कई सारे हैं, तो उस पर मैं नहीं बात करूंगा उतना। बाकी यार ये सब चीज़ तो एक तरफ है, अच्छी बात है, सब लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि जो जिनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अभी, और कुछ लोग ऐसे कि रोड पे घूम रहे हैं। अब क्या उनके बारे में बोलूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यार ये सब गलत है। जब यार बना है तो सबके लिए बना है ना, सब लोग उस हिसाब से लड़ो। अभी एक बंदा थोड़ी ना अकेले कुछ कर पाएगा, पूरा देश जुड़ेगा, सारे लोग जुड़ेंगे तब ना सही होगा। तब उन लोग को भगवान बुद्धि दे, थोड़ा वो लोग भी समझे कुछ। जो जनता कर्फ्यू है ये इस देश के हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो घर में रहे। अब आप ये सोचोगे कि चलो ठीक है मैं बाहर थोड़ा निकलता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपको देख के 2 लोग और निकलेंगे, उनको देख के 10 लोग और निकलेंगे। तो ऐसे तो यार ये जनता कर्फ्यू हो चुका, तो फिर कहाँ ये सक्सेस होगा। इसमें सारे लोग बाहर आ जाएंगे, देख ही देखा एक दूसरे का देख के, तो हर बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि वो घर में रहे ताकि कोई और भी बाहर ना निकले। जैसे अभी मैं बाहर निकला तो मुझे 2-4 लोग देखेंगे आसपास के, फिर वो भी बाहर आएंगे, उनको देख के कुछ और लोग आएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिलहाल बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है। अब देखते हैं, अब मिलता हूँ आपसे 5 बजे, जब ये सब लोग देखते हैं, रिकॉर्ड करूँगा मैं कि कैसे होता है कि तालियां बजाते हैं और घंटे वगैरह। तो चलिए मिलता हूँ 5 बजे आपको। ये देखिए ये हाल है यहाँ के रोड का, पूरा सन्नाटा है, कोई पब्लिक नहीं है यहाँ पे। ये मैं अपने घर के अंदर से ही मैंने पिक लिया, मैं बाहर नहीं गया था। 5 बजने में बस 15 मिनट और बाकी हैं, तो मैं चलता हूँ नीचे, सारा प्रोग्राम सेट हो गया है, कुछ अलग करने का है मतलब। चलिए अब आप लोग को दिखाता हूँ नीचे कि कैसे हम लोग बजाते हैं। 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसा मोदी जी ने बताया था कि हमें 5 बजे, ठीक 5 बजे और 5 मिनट तक घंटा वगैरह जो भी बजाना है वो अपने घर से बाहर या विंडो पे खड़े होकर हम लोग बजाएंगे। तो हमारे साथ देखिए सारे लोग जुड़ चुके हैं। हमारे पास ढोलक, मजीरा, थाली, सोनू भाई घंटा लिए हैं। अब ये बजेगा ठीक 5 बजे, 10 मिनट का और इंतजार करते हैं, इसके बाद पूरा यहाँ कार्यक्रम चालू होगा। और ये विष्णु जी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने ठाना है कि कोरोना को अपने देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से हटाना है। हम लोगों ने ठाना है कोरोना को हटाना है, कोरोना को हटाना है। ठीक है, तो अभी आप लोग से मिलते हैं 5 बजे, ठीक 5 बजे।